बात करेंगे आपके साथ एडवांस सेक्शन के बारे में और हमारे साथ चटर्जी से चटर्जी जो आई हैं। तो चटर्जी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप एडवांस सेक्शन सीख रहे हैं, राइट, हालांकि आप इससे पहले बहुत दिनों से यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बेसिक से जीरो से स्टार्ट करूंगा एकदम। तो सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि हम एक्सेल का इस्तेमाल कहां करें। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई एक्सेल में क्या करते हो, तो एक सटीक आंसर होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा क्या। तो क्या हमें एक ऑफिस में एक ऑफिशियल वर्क के तौर पे हम एक्सेल में क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्क आता है वो आता है डेटा स्टोरेज, राइट, डेटा स्टोरेज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम डेटा स्टोरेज तो यहां पर करते हैं, बट हम एक्सेल को डेटाबेस नहीं बना सकते, क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि पहले बात कर लेते साइज, इसमें लिमिटेड साइज है, हालांकि 10 लाख लाइन ऑफ रो के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें 2-1.5 लाख से ऊपर डेटा डालेंगे, इतना स्लो चलेगा, इतना स्लो परफॉर्मिंग होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। दूसरा सिक्योरिटी, इसमें अगर आपने पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते, अगर आपने पासवर्ड भूल गया तो फाइल भूल जाइए। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पासवर्ड को क्रैक करते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि पासवर्ड आपने लगाया तो कोई भी इस पर क्रैक कर सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल जीरो है। तीसरा, अब इसमें बहुत सारा डेटा रखते हैं, हैवी होता है, करप्ट हो जाता है, तो डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और बहुत ज्यादा एवी फाइल को बना दिया ना, तो करप्ट हो जाते हैं, फिर आपका सब कुछ रिमूव हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम है एक्सेल में। हाँ, मतलब ये होता है। हाँ, तो इस सब के मामले में, मतलब डेटा सिक्योरिटी के मामले में एक्सेल उतना अच्छा नहीं, राइट। तो और अच्छा नहीं है तो फिर इसमें हम क्या डालेंगे, मतलब क्या करेंगे इसे, मतलब कौन सा डेटा स्टोर करेंगे। तो इसमें डेटा, एक पहला डेटा आता है मिसलेनियस, मिसलेनियस डेटा। जैसे कि आप अकाउंटिंग, मान लीजिए आप अकाउंट में वर्क करते हैं, आप अकाउंटिंग के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप सैप यूज करते होंगे, सैप इको हो गया, और इसके बाद डीजी हो गया, या फिर आप यूज करते होंगे टैली यूज करते होंगे सबसे फेमस। तो अब क्या है कि आपके पास मान लीजिए छोटे मोटे खर्चों का एक पेटी कैश होता है ना, अब आपने 2 रुपए की वोटर स्टेट कराई है, उसका एक खाता थोड़ी खोलेंगे इसमें टैली में, लेजर थोड़ी क्रिएट करेंगे, 2 रुपए की वोटर स्टेट कराई, 4 रुपए के चाय किसी को पिलाया ऑफिस के खर्चे पे, इसका एंट्री थोड़ी करेंगे। लेकिन महीने में 10-20 हजार का खर्चा नॉर्मल ऑफिस में हो जाता है एक डिपार्टमेंट में, तो 10-20 हजार रुपए के कहीं ना कहीं हिसाब रखना पड़ेगा, वहां पर भी खर्चते हैं। जैसे कि आप अटेंडेंस, आप मान लीजिए कि पेरोल के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, बट अटेंडेंस के लिए आप एक्सेल यूज करते होंगे। तो जो मिसलेनियस डेटा है, जिसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे डेटा को हम एक्सेल में स्टोर करके रखते हैं, क्लियर है। दूसरा टाइप का डेटा आता है, वो आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस, जैसे छोटे मोटे लोग हैं, जैसे मेरे से लोग हैं, मेरे पास डेटा 5-10 हजार के आसपास का रहता है, तो हम लोग एक्सेल में ही सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए छोटे मोटे खर्चों, छोटे मोटे कामों के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, आप सारे काम एक्सेल में ही कर लेते हैं। आपका वॉइस ना, मतलब आप क्या, मतलब स्पीकर में बात कर रहे हो? नहीं, वॉइस स्पीकर में नहीं है, वॉइस क्या हो रही है, इको हो रही है, क्या इको हो रही है, फिर आवाज आ रही है अजू सी, अब ठीक है सर? हाँ ठीक है, अब बेटर है ना? हाँ, मैं ब्लूटूथ यूज करता हूँ, लेकिन सर रूम बंद था ना, इस कारण से आवाज यूको हो रही थी, अब बेटर है सर? हाँ ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे अभी, कि एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे मोटे लोग जो है इसका यूज आराम से करते हैं। अब तीसरा जिसका यूज आता है, वो आता है एनालिटिक्स डेटा, मतलब कि आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं किसी तरह का, अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे
जैसे डेटा को पहले एक्सेल रखना होगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, जैसे टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैंने ओपन किया, दिख रहा है सर? अब ये जो रिपोर्ट हमने ओपन किया है, इसका कहने के तहत डाटा होना चाहिए ना सर, डेटा दिख रहा है सर? अब ये डेटा मान लीजिए मेरा सेल्स का डेटा है, मैं अपने सेल्स के लिए मान लीजिए सेल्स फोर्स और सैप एस सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे अगर मान लीजिए जनवरी का या मान लीजिए सितंबर का है, मुझे रिपोर्ट बनानी है, सेल्स रिपोर्ट बनानी है, तो मुझे सितंबर का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा ना पहले सर? सितंबर का डेटा डाउनलोड करके हम एक्सेल पे रखेंगे ना? तो हम तीन तरह के डेटा स्टोर करते हैं एक्सेल पे, मिसलेनियस, एसएमई और एनालिटिक्स डेटा। तो डेटा स्टोर क्या, किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं, समझ में आ गया? दूसरा काम जो हम करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे परफेक्ट है। अगर आप मान लीजिए दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका पावर बीआई है, जैसे कि आपका टैबलू है, आपका एक्सेस है, एसक्यूएल है, ऑरिकल है, इन सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि इसमें फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं कुछ नंबर दे रखा है, राइट, मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 85 में प्लस 20 करना है, तो 85 एक्सेल में 85 में प्लस 20 हम कर देते हैं, बट पावर बीआई में और बाकी सॉफ्टवेयर में एक्सेस में मुझे पूरी की पूरी फील्ड में 20 पे ऐड करनी पड़ेगी। तो वहां सर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कॉलम ई है, हमने कॉलम ई के पहले 85 पे प्लस 20 कर दिया। तो एक्सेल में फैसिलिटी है कि आप किसी एक सेल के अंदर किसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, पर बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता। बाकी सॉफ्टवेयर में जो कैलकुलेशन होता है पूरा कॉलम टू होता है, इसे आप देखिए। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मेरे पास एक पावर बीआई का डेटा है। जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वांटिटी में 20 ऐड करना है, राइट, तो मैंने कॉलम ऐड किया नया। अब यहां पे हमने प्लस 20 का दे देता हूं यहां पे। हाँ, मैंने यहां पे क्वांटिटी फिल लिया प्लस 20। अब यहां देखिए सिर्फ 84 में क्वांटिटी ऐड नहीं होगा, ये पूरे कॉलम में होगा, ठीक है सर? अब मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ एक 84 में 20 ऐड कर दूं, बट हमारा ये फीचर इसमें है। और बहुत सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन का डेटा है या क्वार्टर टू का डेटा है। क्वार्टर वन में मान लीजिए मैंने 50 क्वांटिटी सेल की, क्वार्टर टू में 55 की, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ निकालने के लिए यहां एक्सेल में फॉर्मूले हो सकते हैं, एक्सेल में इनबिल्ट बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसके अलावा आप मैथमेटिकल सिंबल भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्ड एज, लेटेस्ट माइनस ओल्ड एज डिवाइड बाय ओल्ड एज, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है किसी तरह किसी ग्रोथ निकालने के लिए, किसी एक पीरियड का ग्रोथ निकालने के लिए दो पीरियड के बीच। अब एंटर प्रेस कीजिए, आपका परसेंटेज आएगा कि 10% का ग्रोथ हुआ है। तीसरा की कैलकुलेशन हम सिर्फ एक्सेल पे ही कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा है एक्सेल, राइट? इसमें हम किसी भी तरह कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेट करना हो, कमीशन कैलकुलेट करना हो, इंसेंटिव कैलकुलेट करना हो, डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, एनी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन एक डेटा पे या एक रिपोर्ट पे या एक सिंगल सेल पे हम यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट सर? राइट राइट। तीसरा जो आता है वो आता है आपका एनालिटिक्स, एनालॉजी, डेटा एनालॉजी। डेटा एनालॉजी या रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन भी, डेटा एनालॉजी एंड रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन या डैशबोर्डिंग। हाँ वही हुआ। अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स क्या होता है सुजीत जी? अभी ना
ऑफिस में जैसे हम लोगों का जो भी रिपोर्ट वगैरह होता था वो सब होता था पहले, मतलब मैं एचईओ का बात नहीं कर रहा हूँ, एचईओ तो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, इसके पहले मैं कॉन्सेंट्रिक्स में था। कॉन्सेंट्रिक्स में इतना दिन मैंने हमने देखा है कि जितने भी रिपोर्ट जो भी है वो सब कुछ एक्सेल में पहले होता था, एक्सेल में। लेकिन इसके बाद ना मतलब ये हम लोगों का जो MIS टीम है, ये तो ऑपरेशंस में था, MIS टीम है उसने इसको पावर BI में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पावर BI मैं इसके भी बोल रहा है, अगर आपको कुछ एक्सपेक्ट करना है, बोल रहा है कि आपको अगर कुछ देखना है आप टैबलू से कर लो। हाँ, मैं इस पे भी मैम सर जी, इस पे भी हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत हुई। ठीक है, पहले टॉपिक की जानते हैं, डेटा एनालिटिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह के एनालिसिस हमने इजीली कर लिया, देख रहे हैं आप सर। हमने एक डेटा को लिया और डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन करके हमने अपना एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर लिया, बना लिया, राइट। इस तरह की डेटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल परफेक्ट माना जाता है। आपको एक नॉर्मल करना है तो भी, जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ, आप 2021-20 का करना चाहते हैं कि 2020 के किस मंथ में कितना सेल हुआ, तो इसके लिए आपको कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस पिवट लगाइए और मंथली रिपोर्ट आपको निकल जाएगा। और आप इसमें एक्सट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, डायनेमिक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो भी आप इस तरह की डायनेमिक रिपोर्ट बना सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपने टीम में। अब क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंटेशन क्या, प्रेजेंटेशन के लिए तो बहुत सारे लोग पावर पिवट यूज करते हैं ना सर, सॉरी पावर पॉइंट यूज करते हैं, पर पावर पॉइंट डायनेमिक रिपोर्ट्स के लिए परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि मैं एक रिपोर्ट को पावर BI में प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं डिफरेंट स्लाइड लगा के हमने बना दिया। अब मिस्टर ए क्या टीम ए के लिए, मुझे टीम बी का रिपोर्ट चाहिए, तो मैं जस्ट एक्सेल में क्लिक करूंगा यहां टीम बी का रिपोर्ट जनरेट होगा। अरे ये चीजें पावर BI में तो नहीं होगी, पावर पॉइंट में तो नहीं होगी ना सर, नहीं। तो डायनेमिक रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए हम एक्सेल पे ही करते हैं, ताकि क्या होता है कि हमें अगर कई सारे रिपोर्ट प्रेजेंट करना हो, कई सारे पीरियड का रिपोर्ट प्रेजेंट करना हो, तो यहां हम जस्ट क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि पावर BI क्यों लोग पावर BI में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई है टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को बनाने में मुझे तकरीबन 6 घंटे के आसपास लगा। इसमें बहुत सारी VBA प्रोग्रामिंग भी है, नॉर्मल फॉर्मुलेज भी है, इसके फॉर्मेटिंग भी है, लेकिन इसी रिपोर्ट को मैं पावर BI में बनाने जाऊंगा तो मुझे आधे से 1 घंटा लगेगा, वो भी बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन आधा 1 घंटा लगेगा, बट देन आप यू सेड दैट उसमें वो शीट 1 पे एक बार जाइए। मैं आपको मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर, मैं समझा रहा हूं आपकी, मेरी बात कंप्लीट होते ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए एक्सेल में बेनिफिट क्या है कि आप जो है रिपोर्ट जब बनाते हैं तो किसी को इजीली शेयर कर लेते हैं। चौथा जो हमारा यूज आता है शेयर का, कि मैंने अगर ये टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी जो हमने आपको दिखाया, ये रिपोर्ट बना के मैं आपको दरगले से दे सकता हूं, क्यों, मुझे पता है कि आप इसको देख लेंगे, राइट। आप इसको देख लेंगे, अगर आपके पास अगर एक्सेल नहीं है आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल नहीं है तो आप उसको जस्ट इसमें भी देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, गूगल शीट में भी जाकर देख सकते हैं। मैं आपको जीमेल पे मेल करूंगा तो बस आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उस व्यू पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट आपको वहीं पे दिख जाएगी। तो एक्सेल मोस्टली लोगों के पास है, अगर जिनके पास एक्सेल नहीं है तो उनके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट जैसे ओपन वर्ड या एक्सेल व्यूअर है, एटलीस्ट वो भी नहीं है तो गूगल शीट पे भी मेरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब पावर BI और टैबलू की आते हैं, अगर पावर BI या टैबलू में हम रिपोर्ट बनाते हैं तो मेरे उसको शो करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं आपको PDF में रिपोर्ट शो करूं। अच्छा। PDF में रिपोर्ट शो करने से क्या होगा, तो डायनेमिक नहीं होगा, आप जस्ट रिपोर्ट को देख सकते हैं बस, राइट। मुझे अगर 12 महीने की रिपोर्ट चाहिए तो मुझे आपको 12 PDF भेजना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है कि मैं आपको वेब लिंक दे दूं, क्या उस वेब लिंक पे क्लिक करें आप देख ले, वहां पे डायनेमिक चल जाता है, बट उससे क्या होगा, डेटा सिक्योरिटी, रिपोर्ट हमारा पब्लिकली चला जाएगा, जिसके बाद उस लिंक पे एक्सेस होगा
लिंक पता होगा, हर कोई रिपोर्ट को देख सकता है। तीसरा, अगर मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट आप ही देखें, इसका मतलब आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। अगर पावर बीआई आपके पास है तभी आप मेरी रिपोर्ट को हर एंगल से देख सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब एक रिपोर्ट देखने के लिए अब पावर बीआई सबके पास हो ऐसी जगह नहीं है, 10 में से किसी एक से भी, एक के पास, एक से भी कम लोगों के पास पावर बीआई है। अब आपकी एक रिपोर्ट को देखने के लिए कोई क्लाइंट आपका पावर बीआई डाउनलोड 500 MB का पावर बीआई डाउनलोड थोड़ी करेगा, क्या टैबलू डाउनलोड तो नहीं करेगा, टैबलू परचेस तो नहीं करेगा, 70 मंथली चार्ज है टैबलू का। तो अब धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा कहा कह सकते हैं कि आगे आने वाले 20-25 सालों बाद एक्सेल का कम यूज होगा, पावर बीआई कहीं ज्यादा यूज होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे को अगर कोई बोला है, मतलब जैसे वो पावर बीआई या टैबलू में वो रिपोर्ट बना हुआ है, उसके साथ क्या करते हैं वो एक्सेल का भी एक लिंक दे देते हैं कि यहाँ पे ये लिंक पे जाइए, ये एक्सेल का भी आपको मिल जाएगा, टैबलू का भी मिल जाएगा। तो हम हमेशा क्या टैबलू का तो नॉलेज है नहीं, तो हम हमेशा जाके वो एक्सेल से करते हैं। तो एक्सेल भी आपने पावर कंफर्टेबल, अब पावर बीआई में या टैबलू में जो रिपोर्ट बनती है उसको एक्सेल पे जब डाउनलोड करते हैं तो लिमिटेड आता है, डायनेमिक नहीं आता है सर। मुझे अगर अभी थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि भाई यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, चाहे कुछ होना चाहिए, हम इजीली पावर बीआई इसमें कम कर सकते, पावर बीआई पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, पावर बीआई में नहीं कर पाएंगे। नहीं, पावर बीआई कर पाएंगे लेकिन फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाएगा ना। और दूसरी बात है कैलकुलेशन, मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट को कैलकुलेट करना है, ग्रोथ को मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से डेटा रफली डेटा रख के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, तो लिमिटेशन है एक्सेल का, एक्सेल को वीक नहीं कर पाया। ऐसा होता है तो एक्सेल आर सिस्टम से हट गया रहता और पावर भी यही होता रहता था, टैबलू ही रहता था। लेकिन वो भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि आपको अगर लाइव वेबसाइट से डेटा को कनेक्ट करना है, रिपोर्ट कनेक्ट करना, आप चाहते हैं कि मेरा रिपोर्ट यहाँ बने और मेरे वेबसाइट पे रिप्रेजेंट हो, जैसे कि आपका शेयर मार्केट का होता है, अब ये चीजें पावर बीआई और टैबलू का सर्विस देता है, ठीक है। तो हम एक्सेल का यूज जो है चार केसेस में करते हैं, डेटा एनालिसिस, सॉरी डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस एंड डेटा कैलकुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड रिपोर्ट, ठीक है सर। अब बात करते हैं इसको सीखने के लिए क्या आना चाहिए, अब एक्सेल कोर्स आप शुरू कर रहे हैं तो इसको सीखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या चाहिए हमको। देखिए, इसको सीखने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हालांकि मैं बेसिक कवर कर रहा हूं, फिर भी आपको पहले से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जहां तक मुझे आइडिया है आपके पास है। दूसरा, फिर भी आप मतलब एक बार कवर कर दीजिए। हाँ, मैं पूरा चीज कवर करूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा पहले से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है सर। मैं बेसिक हर पार्ट को कवर करूंगा, अब ये थोड़ी बताऊंगा सर एक्सेल कैसे खुलेगा, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या क्या होता है, एक्सेल कब बना है, किसने बनाया है, ये चीज थोड़ी बताऊंगा सर मैं आपको। और एक चीज बताइए सुरेश जी, मतलब क्लैरिफाई कीजिए, अभी मतलब लोग बोलते हैं कि एक्सेल तो बैकडेटेड हो गया है, अभी दी यूसेज इज मोर ऑन पावर बीआई टैबलू, मतलब सर एक्सेल कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, अभी भी एक्सेल जितना लोगों को यूज किया जा रहा है उतना कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है। पावर बीआई है लेकिन वो सारे के सारे एक्सेल की सारी फैसिलिटी आपको नहीं दे सकता, समझ गए ना। आउटडेटेड, अगर आउटडेटेड होता तो माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर इतना खर्चा नहीं करता, इसके इतना डेवलपिंग में इतना टाइम नहीं दे रहा है। ये भी सही बात है, उसको नंबर ऑफ लाइसेंस बिक रहे हैं तब ना, जैसे नए फॉर्मूले नए नए चीजें दे रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। ये भी सही बात है, तो ये आउटडेटेड नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या है ना, जैसे कि अभी इसका लाइसेंस मान लीजिए किसी ऑफिस किसी कंपनी ने अगर एक्सेल परचेज कर लिया, राइट, अब तुरंत जो है पावर बीआई परचेज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि अब एक्सेल परचेज किया और पावर बीआई परचेज करें, नहीं,
उसने एक्सेल लाइसेंस ले लिया, वो जब तक एक्सेल बहुत पुराना नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो नया एक्सेल परचेज नहीं करेगा, नई सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करेगा। और दूसरा सर, एक्सेल में सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होती है सर, हम जैसे लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसमें बना कर रखते हैं। ये एक बात बताइए, ये पावर बी आई या ये डैशबोर्डिंग, ये डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल में, पहला बात तो ये है डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या मैक्रो का नॉलेज होना चाहिए? देखो डैशबोर्ड पे डिपेंड करता है सर, मैं तो बोलूंगा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों वो भी मतलब मेरे को पूरा ये इसका मतलब ये कितना है मेरे को पूरा? देखिए अगर आपको वीवी के नॉलेज है तो आप ऑटोमेट कर देंगे, बात समझ रहे हैं ना सर? नहीं नहीं मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीवी की जरूरत कब पड़ती है। जैसे कि अगर आपको जो है दो चार डैशबोर्ड है आपके पास, मान लीजिए दो या तीन डैशबोर्ड को मैनेज करते हैं, ज्यादा काम नहीं है, तो आप एक्सेल को सीख के ही अपना काम निकाल सकते हो। आप बोलते कि यार हर तीसरे चौथे दिन मुझे नया डैशबोर्ड बनाना पड़ जाता है, मुझे क्रिटिकल डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, मुझे डायनेमिक करना पड़ता है। जैसे भी आपने बताया ना, बटन पे क्लिक करते ही मुझे दूसरा रिपोर्ट आ रहा है, ये चीजें नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगी? हाँ मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ तो जैसे आपके पास एक्सेल में काम बहुत ज्यादा है तो देखिए वीवी क्या है, ऑटोमेशन। अब गाड़ी कब कर दो, सुनिए आपको ऑफिस जाना है, अब आपकी ऑफिस घर के सामने है तो आप गाड़ी कर देंगे नहीं कर देंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को ये नॉलेज मतलब जो भी है धीरे धीरे करेंगे हम लोग। हाँ पहले आप एक्सेल कुछ नहीं, पहले आप एडवांस एक्सेल को करें, एडवांस एक्सेल करने के बाद मैं आपको तीन चार क्लास वीवी प्रोग्रामिंग पे दूंगा। अगर आपको वीवी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाता है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे जरूरत की चीजें सीखना चाहिए, तो हम वीवी सिखा देंगे। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 15 दिन 20 दिन महीना दो महीना तीन महीना आप पहले एक्सेल पे काम करो, देन आपको रियलाइज होता है कि मुझे ऑटोमेशन करना चाहिए। गाइड करोगे मतलब मेरे को ये सीखना है, ये सब्जेक्ट मेरे को सीखना है जी आपसे। हाँ मैं आपको ये चीज सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन वन बाय वन चलेंगे, ठीक है ना सर? हाँ एकदम एकदम, हड़बड़ करने से मुश्किल होगा जी आपको जब लगेगा कि हाँ मेरा मतलब एडवांस एक्सेल में मेरा हाथ एकदम अच्छे से मतलब तैयार हो गया है और मैं फ्लॉलेसली काम कर सकता हूँ, तब मतलब आप थोड़ा बोल दीजिएगा कि वीवीए पे आ गया, मैक्रो में आ गया, ऑटोमेशन में आ गया, उसके बाद पावर बीआई टैब्लू, मतलब ये मेरा करना है, मतलब 6 महीना में मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 6 महीना तक मेरे को आपसे ये सीखना है। इसमें अगर मतलब जो अलग अलग कोर्स भी है तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखना है मेरे को ये आपसे जी। ठीक है तो आप आगे बात करते हैं। हाँ आगे की चौथा भी पढ़ते हैं। अब जैसे कि आता है कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, राइट? तो जब भी हम क्लास शुरू करते हैं किसी भी क्लास शुरू करते हैं तो हर पीपल के लिए एक वीडियो दिखाना कंपल्सरी होता है। तो मैं आपको आज एक वीडियो लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो 5 घंटे का है, लेकिन आप इसको जितना ज्यादा हो सके देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज ऐसे है जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप देख लें और जो चीज आपको आता होगा उसको आप ये कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? तभी अब ऐसा ना समझिएगा कि जो वीडियो में चीजें दी गई है मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये सारे चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले से अगर थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हो जाएगी तो जब सेकेंड टाइम में पढ़ाऊंगा तो आप इसके डीपली अंदर घुस जाएंगे, और आपके पास भी थोड़ी बहुत एक्सेल की नॉलेज जो कमी होगी वो कमी यहां इससे पूरा कर देगा। तो लर्निंग करने के लिए सीखने के लिए आप पर्याप्त हो जाएंगे, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। ये हर किसी को देता हूं देखने के लिए, ये मेरा माने कि स्टैंडर्ड, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो इसको आप देखें और देखने के बाद आप मुझे कल जो है कल से शुरू करना चाहते हो तो कल से शुरू करो, परसों शुरू करना चाहते हो परसों शुरू करो, जब से कुछ शुरू करिएगा हम आपके शुरू करेंगे। और जो शुरू करेंगे वो मेनू के हिसाब से करेंगे, हम पहले फाइल मेनू वार को समझाएंगे, फिर होम मेनू वार करने की चीजों को समझाएंगे। तो ऐसे अगर मेनू के हिसाब से चलेंगे ना तो एक पता रहेगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं और अगली क्लास क्या होने वाली। हाँ मतलब एकदम शेड्यूल के हिसाब से। हाँ तो जैसे कि बहुत पहले देखा था कि मान लीजिए कि पहले उन्होंने शॉर्टिंग बढ़ा दिया,
तो फिर तिब्बत पर आ गया, फिर वापस कंडीशन मॉनिटरिंग पर आ गया, किसी हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो सीक्वेंस को अरेंज किया है तो समझ के अरेंज किया है ना सर। हाँ, मैं एक तो, काम करता हूँ, फिर आपको वीडियो भेजने के बाद मैं 2 घंटा आज देता हूँ, 2 घंटा कल लेके मैं पहले वो वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हाँ आज और कल परसों फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, जल्दी हो 8:45 से 9:30 होगा, क्योंकि 9:40 पे मेरा अलौदर क्लास है। हाँ, मेरा भी एक्चुअली मतलब 10 बजे से ऑफिस होता है, तो मेरे को भी ऑफिस में काम के लिए बैठना पड़ेगा, तो वही 8:45 मतलब पूरा 8:45 में हम स्टार्ट कर देंगे, हम 9:30 तक करेंगे। ठीक, तो 9:40 तक मेरे पास टाइम अवेलेबल है, 9:40 के बाद मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार बताइए, सैटरडे संडे मैं फ्री रहता हूँ, सैटरडे संडे सैटरडे संडे आप फ्री अभी रह रहे हैं, आगे चल के फ्री नहीं रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को मिलेगा आपको प्रोजेक्ट। क्या होगा? प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट। हाँ, आप दे दीजिएगा, मैं उसका। हाँ, तो अभी सैटरडे संडे आप 1-2 हफ्ता कर लीजिए कि सर मैं फ्री हूँ, 1-2 हफ्ते के बाद आप फ्री नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे भी आप मतलब मेरे को थोड़ा काम दे दीजिएगा, शुरुआत में 5-10 क्लास सिर्फ पढ़ने का टाइम दूंगा, पढ़ने का ही समय दूंगा, उसके बाद में करने का दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टाइम में। थैंक यू। आप वो भेज दिया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ठीक, थैंक यू। हाँ, कैसे लिखा है असाइनमेंट? असाइनमेंट लिखने का तरीका है, मेरा कलम जो कहाँ चला गया, एक भी नहीं। यहाँ पे तेरा कलम, मेरा 2 दर्जन कलम कहाँ चला गया आज तक मुझे नहीं पता चला। यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे रात में रख के गया।